Yes, good morning everyone. Good morning. Good morning. Today we will do the revision of our book number 2 from starting from beginning we are starting it. ठीक है. And this is the revision of this book because already we have done our course from page 1 to मतलब means course of chapter 1 oh sorry term 1 we have completed. So today I hope you will enjoy this class. Write the numerical for. आपके लिए अगर question आ जाए कि आपको numerical लिखना है, ठीक है, चलो बोलना है, write the numerals for कोई भी नंबर लिख के दे देंगे आपको. सपोज नंबर नेम देंगे, सपोज 625, ठीक है. तो आपको करना क्या है, इसमें आपको नंबर लिख देना है 1, 10, 100. अब आपको ये चीज कोई, अब आप बिकॉज बेटा बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो नो वन विल टेल यू अगेन एंड अगेन दैट व्हाट यू हैव टू डू इन पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आपको अब मैं ये चाहती हूँ कि आप जस्ट यू रीड द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड यू गिव द सॉल्यूशन. ठीक है, आपको रीड करना आता ही होगा. आई होप आपने पढ़ा यहाँ पे राइट द नंबर सॉरी न्यूमेरियल्स फॉर. आपको अपने आप याद रखनी है ये चीज़ कि न्यूमेरियल्स जब भी लिखने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में तो आपको उसका नंबर इन मतलब वर्ड्स की फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको खाली उसकी डिजिट में आंसर्स देना है, आंसर देना है नंबर्स में. ठीक है, तो 1, 10, 100 लगा दीजिए. 600 है तो 100 के नीचे आप 6 लिख दीजिए. 25 है, ठीक है, तो आप 25 जैसे भी लिखते हैं वैसे लिख दीजिए. अब सपोज आ जाए कि आपका 700. अब आप ये मत सोचो कि हाँ मैम ये तो हमको आता है, नहीं, इसमें सीखने की चीज़ ये है कि क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है. अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप पढ़ के उसका आंसर बिना किसी की हेल्प के, बिना टीचर की, बिना मदर की. एक चीज़ यहाँ से मैं क्लियरली एक बार दोबारा से चीज़ आपको मैसेज देना चाहती हूँ दैट योर टर्म वन एग्जाम्स विल हेल्ड इन योर स्कूल प्रीमिसेस. तो उसके अंदर आपको कोई भी 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका ऑफ ईच सब्जेक्ट. ये जीके सबके 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग एंड मॉरल साइंस, इनके 40 मार्क्स के आएंगे. ठीक है, बाकी आपके 80 मार्क्स. आज तक आपने 10-10 नंबर के मार्क्स आपके आते थे, मतलब मार्क्स का पेपर आता था, छोटा पेपर आता था. दिस टाइम पेपर भी बड़ा आएगा और यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स कंपल्सरी इन स्कूल. तो स्कूल आकर के ही आपको पेपर देना है. वहाँ पे आपको बार बार कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुनाएगा. बार बार आप पूछो मैम इसमें क्या करना है, मैम विल एक्सप्लेन ऑल द पेपर वन टाइम. एक बार में पूरा पेपर एक्सप्लेन कर देंगी वो. अगर आपने सुना है तो आपकी उसमें वो है, अगर आप नहीं सुना है, क्योंकि बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उस मैम फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझ नहीं आ रहा, सारी क्लास अलग 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 मैम सबको अलग अलग समझाएंगी, फिर वहाँ से वो पूछेगा इसमें क्या करना है, वहाँ से वो पूछेगा, नहीं. और हमेशा आप घर पे, जैसे आप ऑनलाइन पेपर देते थे, कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो मे बी आपके बड़े ब्रदर ने, आपकी सिस्टर ने, आपके फादर ने, मदर ने, किसी ने भी मे बी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होगी कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको दोबारा चेक कर लो. बट हियर नो वन विल हेल्प यू टू सॉल्व द पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर्स. टीचर्स तो खाली ये देखेंगे बच्चे भाई एक दूसरे का चीटिंग नहीं करें, डिसिप्लिन से बैठे रहें और पेपर करें. फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती समझाने का तो हम समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर भी आपको मैं ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि बड़ा पेपर आएगा, तैयारी उसी हिसाब से आप कीजिएगा. ठीक है, लिख लिख के मैथ्स में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको. अभी आप समझिए, आप ये मत समझो कि हमें तो ये चीज़ आती है, ये तो सबको ही आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. बात यह है कि आपने क्वेश्चन को क्या समझा, है ना, क्वेश्चन को पढ़ के. अगर मान लीजिए मैम ने एक्सप्लेन किया और आपका ध्यान नहीं था तो आप क्वेश्चन को समझ पाओ, इतना कैपेबल आपको बनना है. ठीक है, तो राइट द न्यूमेरियल फॉर, अब लिखा है 702, ठीक है,
तो आप 1 टेंस 100 डालेंगे, 700 आपने लिख दिया 100 के नीचे, और ओनली 2 है तो 1s के नीचे आप 2 लिख देंगे। अब बीच में भाई कुछ भी नहीं है तो आप 0 फिल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर नेम फॉर, क्वेश्चन आया आपका राइट द नंबर नेम फॉर। अब इस क्वेश्चन का आपने क्या मतलब समझा, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत स्टूडियस, बहुत अच्छे बच्चे, और जो बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो क्लास ले भी नहीं रहे हैं, पता है, ये नूतन वगैरह हैं। नूतन आप तो हो ना, गुड, वेरी गुड, आई होप, मैं यही चाह रही थी, बिकॉज फर्स्ट से आप न्यू एडमिशन हो, लिया नहीं था, इट्स वेरी गुड। हर चीज़ को पहले हाँ ध्यान से समझना नूतन, ठीक है। yes. हाँ, और नूतन मेरे को एक मैसेज और आपको देना था, अगर आपकी मदर या फादर आपके पास में है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ मैसेज कि प्लीज़ आप अपनी आइज चेक करवा लीजिएगा। मैं यहाँ से ये मैसेज दे रही हूँ, मतलब अलग से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, प्लीज़ आप अपनी आइज टेस्ट जरूर करवाइए। आई थिंक आपको थोड़ा आइज की डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। रिद्धि वर्मा, आपके लिए गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा चांस है बेटे, इधर उधर कुछ नहीं, बस आप समझो आप अकेली हो, मैम सिर्फ आपको पढ़ा रही है, ध्यान से हर बात को समझना है, मैम कैसे उसका आंसर लिख रही है, यहाँ पे मैम ने 72 क्यों लिखा, 0 बीच में आया, कहाँ से आया, क्यों आया, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ क्लास को, सेशन को ध्यान से देख लोगे तो आपको घर पर अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द न्यूमेरी नंबर नेम फॉर। तो जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि नंबर नेम लिखना है, दैट मीन्स कि आपको उसका वर्ड्स में मतलब आंसर देना है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है आपका, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ना आना चाहिए, तो आपको हाँ नंबर पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे होता है आपका 1s 10s 100, तो आप इसको 100 पढ़ेंगी, 400, ठीक है। अब इसको छुपा लो, आगे क्या आ गया, 51, 451, ठीक है। एंड लिखो बीच में या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगी 4 की स्पेलिंग FOUR, 100 की HUNDRED, ये स्पेलिंग बहुत बहुत काम आएगी आपके, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड एंड लगा लो 51, FIFTY 50 और ONE 1, ठीक है। एक पहले की क्लास में भी हम ये चीज़ कर, एंड ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स जिसमें बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, तो प्लीज़ 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 आप ये स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, एग्ज़ाम में आपको ईजी वाली स्पेलिंग नहीं आएंगी। आपको लग रहा है हाँ ये मुझे आती है तो पेपर में यही आ जाएगी, नहीं, इस गलत फहमी मत रहना, जो आपको नहीं आता ना पेपर में वही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर मैं हमेशा स्टैंडर्ड का ही सेट करती हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल सेट नहीं करूँगी, बहुत ईजी ईजी। हाँ, जिसने सब कुछ पढ़ लिया, जिसको सब कुछ आ गया, उसको ईजी लगेगा, ये बात है, लेकिन पेपर स्टैंडर्ड का आएगा, ये नहीं कि चलो बच्चों को आसान पेपर दे, नो, मैं नहीं बना पाती हूँ, मेरे को इससे ये मतलब दिक्कत है, बहुत नहीं कर पाती हूँ मैं ऐसा। तो देखिएगा 13 की स्पेलिंग अगर कहीं आ जाए मान लो, तो आप लिखेंगे THIRTEE, एक नंबर होता है 1414, ठीक है, एक ही होता है ये नंबर पूरी काउंटिंग में, इसको आपको स्पेलिंग लिखनी है FOUR और TEE, लेकिन 40 से लेकर के और 49 तक के बीच में जो भी स्पेलिंग्स आ जाएं, 41, 42, 43, 44 ऐसे करके, तो उसमें आप लिखेंगे FORTY, यू इसमें बच्चे लगा देते हैं, लेकिन आपको यू नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 की, आपको आई होप आती होगी, कई बच्चे इसको ये लिख देते हैं 5 नहीं, लिखने के बाद, गलती होने के बाद, और उनको लगता है अरे यार एक ही तो गलती हुई है, क्या हो गया, नहीं, क्यों बेटा, एक भी गलती नहीं आपको करनी है, ठीक है, लर्न कर लो ना, ये तो आपके आगे तक काम आएंगी, तो मैंने एक बार लर्न कर लिया, मुझे कभी भी पूछ लेना, आप आती रहेंगी मुझे स्पेलिंग्स वगैरह, एक बार लाइफ में आपको करनी पड़ती है, वरना वो दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग, 15 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, फिफ FIFTEE, ठीक है। 16, 17, 18, 19 चलते हैं, चलो 18 की भी एक स्पेलिंग में लूँगी आपके लिए, EIGHT,
बच्चे इसमें टी और फिर टीन के लिए अगल अलग से टी डबल ई, नहीं इसी टी से काम चलाना है हमको टी डबल ई, ठीक है। 19 में भी एन आई एन ई टी डबल ई, ऐसे ही एक आता है नंबर 90, एन आई एन ई टी वाई 90। अब 91 आ जाए, 92 आ जाए, 93 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसकी स्पेलिंग एन आई एन ई टी वाई, ठीक है। आगे चलते हैं 80 में ई आई जी एच टी वाई 80। कोई बच्चा आया है? हाँ जी, 80 की स्पेलिंग में ई आई जी एच टी वाई चलेगा। 90 हो गया, 40 हो गया, 30 की स्पेलिंग देख लें टी एच आई आर टी वाई 30। और 20 कई बार 2 की स्पेलिंग भी बच्चे गलत लिख देते हैं, मालूम है ये टी डब्ल्यू ओ। और 11 की ई एल ई वी ई एन, मैं बेसिकली जो स्पेलिंग्स देती हूँ एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये देती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये मिलेगी ही मिलेगी आपको, क्योंकि बच्चे इन्हीं में गलतियाँ करते हैं। और एक ये मिलेगी, ये 3 स्पेलिंग आपको 100% मिलेगी जब तक मैं आपकी टीचर रहूँगी, क्योंकि इसी में बच्चे गलतियाँ करते हैं, बाकी सारी स्पेलिंग सही लिखते हैं, ये गलत करते हैं। आगे चलते हैं, ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है। इसके लिए आपको नंबर को पढ़ना आना चाहिए कि वे नंबर लिखा क्या है। नंबर है 379 और यहाँ लिखा है 39। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट हैं और यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो जितनी ज़्यादा डिजिट होंगी उतना ही बड़ा नंबर होगा, आपका नंबर ये बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 379 और 397 के बीच में, फर्स्ट नंबर को कंपेयर कीजिए आप, वो दोनों 3 हैं। अगर यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ 4 होता, मैं पूछ नहीं रही हूँ नूतन, प्लीज़ इस तरीके से क्लास बहुत लेट होती है, डीले होती है। आई होप आप आंसर अपने मन में जो सोच रहे हो ना, जब मैं यहाँ से आंसर बता रही हूँ तो आप ये देखिए कि मैम ने ये आंसर दिया है, मेरा आंसर भी यही था, यस आई एम राइट। और अगर आपने उसको गलत रीड किया है या गलत आंसर किया अपने मन में, आपको तो पता है ना बेटा, पढ़ाई तो आप कर रहे हो अकेले बैठ के, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ और आप अकेले इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, तो उसमें आप अपना आंसर खुद चेक कीजिए कि मैम ने इसका आंसर ये दिया लेकिन मेरा आंसर तो ये आ रहा था, तो आपका आपको ठीक करना है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है दैट मीन्स सही चल रहा है। अब ऐसे मैं बार 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 लेती हूँ ना तो क्लास क्या होता है, बहुत लंबी चलती है और जिन बच्चों को आता है उनका टाइम बहुत वेस्ट भी होता है। चलिए जी, 300 में जब आप कंपेयर करेंगे तो 3 दोनों नंबर, पहला नंबर आप देखिए कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ पे 3 के बदले क्या होता 497, तो जो नंबर बड़ा होगा पहला वाला ही उसी को आप बड़ा कर दो। अगर यहाँ 4 होता तो आप ये लिख देते, ठीक है, मान लो सपोज यहाँ 3 के बदले 4 होता, लेकिन यहाँ तो 379 और 397 इक्वली है भाई, मतलब फर्स्ट नंबर इक्वल चल रहा है, तो आप आ जाइए सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर को कंपेयर करेंगे 7 और 9, इनमें से कौन सा बड़ा है 9, तो आप 97 को बड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता आपका 0, ठीक है, 307, अब ये 7 बड़ा है, यहाँ पे है 0, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका ये 379, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर 7 है और यहाँ पे सेकेंड नंबर 0 है, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ आपको ये वाला साइन लगाना है। मान लो कि दोनों नंबर बीच वाले भी सेम है, फर्स्ट 38 है, इधर भी 38 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब आपको देखना है कि थर्ड वाला कंपेयर करो, इधर थर्ड नंबर पे ये 0 है और ये है 1, तो कौन सा बड़ा हो गया 1, ठीक है जी। ये थी आपकी कुछ चीज़ें जस्ट आफ्टर, यानी कि सक्सेसर में क्या आता है सक्सेसर, कई बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। जस्ट आफ्टर 249, हाँ जी 200 है तो 249, एक तो ये देख लो कि कोई नंबर अगर 99 हो ना तो आपका ये नंबर चेंज होगा, ठीक है, या आपका नंबर कहीं पे ये हो तो भी आपका ये नंबर पे असर पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज आपको मेनली बीच नंबर इन से ही काम चलाना है कि इसके इसमें सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, एक कदम आगे, यानी कि आफ्टर का नंबर आपको बताना है, जस्ट आफ्टर
249, 200 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 200 की लाइन चल रही है। 49 के बाद क्या नंबर आता है, आप कई बार छोटी क्लासेस में भी बहुत बार बताया गया है, 9 के बाद हमेशा लाइन चेंज होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 10 आता है ना, जो 10 यानी कि वो जीरो आपको लेनी है और नेक्स्ट नंबर ऐड कर देना है इधर वाले में, ठीक है। तो इस 9 की जगह तो आएगा आपका जीरो, और इस 4 की जगह पे एक नंबर आगे ले लो इसको 5। 250, 49 के बाद, या फिर आप सिंपली देख सकते हो कि काउंटिंग में भाई 49 के बाद 50 आता है। अगर आपको काउंटिंग में आप कच्चे हो तो देखिए वो चीज़ें अब पहली क्लास और केजी वेजी की वो सब मैं आपको थर्ड क्लास में यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नंबर बार बार आपकी मम्मी बोलेंगी, आप लिख के देखो, आप टेस्ट दो अपना, या आपकी मम्मी आपको नंबर लिख के, कोई भी नंबर लिख के दिया और आप उसको रीड करोगे कि ये नंबर लिखा है 398, ठीक है। जब तक परफेक्ट नहीं हो जाओ, कम से कम 100 नंबर का टेस्ट लो, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को हर नंबर पढ़ना आ गया है, ठीक है। उनको बोलो कि चलो गेम खेलते हैं, कुछ भी आप पूछो, कोई भी नंबर मुझसे लिखवा के देखो आप, मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 49 के बाद काउंटिंग में 50 आता है, तो आप 50 लिख देंगे। समटाइम्स ये नंबर आ जाता है, इसका आपको आगे का नंबर लिखना है, तो 300 के बाद, क्योंकि 100 के बाद 101 आता है, इसी तरीके से 300 के बाद आपका 301 आएगा। तो 301 कैसे लिखेंगे, ये तो 31 ही होता है, नहीं ऐसे नहीं लिखना आपको, ये रॉन्ग हो जाएगा। 301 लिखेंगे आप ऐसे, ठीक है। अब आपका आगे मान लो 309, इसका आपको सक्सेसर लिखना है। 309 के बाद सबको पता है कि 9 के बाद क्या आता है, 10, ठीक है, तो आपको 310। अब सपोज यहाँ हम चल रहे हैं, चलो जस्ट बिफोर ले लेते हैं, जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, प्रीडिसेसर, भाई आपका प्रीडिसेसर है, इसका बिफोर का नंबर लिखना आपको, पीछे कौन सा आता है, तो 200 तो आया ही आया, 70 के पीछे क्या आएगा, 7 के पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के पीछे कौन सा नंबर आया, 6, तो 69, 70 के पीछे काउंटिंग में भी क्या आता है, 69, जीरो जहाँ भी आ जाए और बिफोर का नंबर लिखना है तो आप 9 लिख देना और इसका बिफोर का लिख देना। ये एक ट्रिक बताई है जिनको नहीं काउंटिंग वगैरह में हाथ, जिनका कच्चा होता है उनके लिए, ठीक है। राइट द नंबर इन बिटवीन, आई होप कि बिफोर का चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं, 30 के बिफोर क्या आता है भाई, 29, ठीक है, इसका बिफोर 3 का 2 ले लिया और 0 को बिफोर 9 ले लिया। अब बताइए तो 40 के बिफोर में क्या आएगा, 40 के बिफोर में 4 के पीछे क्या आता है, 3, तो 39, ठीक है। चलिए 80 के बिफोर में क्या आता है, 80 के बिफोर में आएगा आपका क्या, 79, 8 के बिफोर में आता है आपका 7, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि मैम तो बिफोर बिफोर में बहुत ऐसा दे देंगी, हाँ जी 97 के बिफोर में 96 होता है, तो ये नहीं आएगा भाई इतना आसान, थोड़ा सा आएगा ऐसा जिसमें बच्चा थोड़ा उलझे, बच्चा थोड़ा सोचने पे मजबूर हो, क्या उसको सिर्फ आसान चीज़ें ही आ रही हैं, ये थोड़ा सा मतलब उसको अगर अच्छा मस्त क्वेश्चन भी दिया जाए तो वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तभी तो पता चलेगा ना अग्नि परीक्षा कि हाँ मैं पक्का मजबूत बन चुका हूँ फोर्थ क्लास में जाने के लिए, सही है ना। तो आपको हमें मजबूत बनाना है बेटा, कच्चे खिलाड़ी नहीं बनाना बिल्कुल भी। अब आपके लिए आ जाता है बिटवीन, आपको बीच का अगर नंबर लिखना है, जैसे 249 और यहाँ लिखा है 251, ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, या तो इसका बिफोर लिख दो या इसका आफ्टर लिख दो, तो आफ्टर बच्चे ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं, तो 249 के बाद में आ जाएगा आपका 200, 4 के बाद क्या आता है बेटा 5 और 9 के बाद में 0 लगानी है। आई होप रिद्धि और ये तनिष्क के सिस्टर है नूतन सोनी, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि बाकी बच्चों का मुझे लग रहा है कि आता ही होगा, ठीक है, हाँ बाकी सबको आता होगा जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और आता इनको भी होगा, रिद्धि को भी और नूतन को भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से देखें, जिनको आता है वो भी ये नहीं हाँ मुझे सब आता है,
नहीं वो भी ध्यान से देख, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी गलत होता है। तो जब भी बिटवीन आ जाए तो आपको हमेशा इस नंबर का नेक्स्ट नंबर लिख देना है, जैसे कि 389 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया 391, ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका 389 के बाद आता है 90, ठीक है। अगर आ जाए आपका 299 और यहाँ पे 301 आ गया, ठीक है, तो 299 के बाद में कौन सा नंबर आता है हमेशा 300, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अंदर भी अगर आपको वो आता है, क्या बोलते हैं, नंबर को पढ़ना आता है कि इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप इस काम को कर जाओगे सही से बिल्कुल। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद ये रखना है, वहाँ पेपर में बताने के लिए हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, बेटा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला नंबर आप सबसे पहले चूज़ करो, नो, आई विल नॉट टेल दिस थिंग टू यू, ठीक है जी। यहाँ बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, असेंडिंग में डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में असेंडिंग लगा देते हैं। हर बच्चे को इतना, जितना मैं आपको अभी ए इतनी पूरी क्लास को समझा रही हूँ, एक एक बच्चे को इतनी इतनी मतलब लाइंस बोलना एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ए डबल एस आता है, एस सी आता है, एस सी ई एंड असेंडिंग ऑर्डर, हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में आपको, या फिर बोल दो इसको इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसका एक नाम होता है। जो होशियार बच्चे हैं, सभी होशियार हैं वैसे, वो भी इसको देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा आ जाए, कोई भी आपसे पूछ ले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो भाई, तो ये मत सोचना हमारी मैडम ने तो असेंडिंग डिसेंडिंग बताया था, इंक्रीजिंग कौन सी चीज़ आ गई। इंक्रीज माने बढ़ना, आगे बढ़ना, तो बढ़ेंगे कब, जब छोटा होगा, छोटे से बड़ा चलना। अब कई लोग इसको थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं, आप देखो 249, 294, 492, 924 और 922, चलो ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपको लगाना है, या असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट आपने याद कर लिया ना, तो बस आपको हर बार छोटा नंबर चूज करना है, छोटा नंबर चूज करो और लिख दो, फिर जो बच गए उनमें से छोटा नंबर चूज करो और लिख दो, फिर जो बच गए उनमें से छोटा नंबर चूज करो और लिख दो, ठीक है, बस ये करना है। छोटे से बड़ा, बड़े से, ये सब रहने दो, ठीक है। हर बार स्मॉलेस्ट याद कर लिया ना, तो बस आपको हर बार स्मॉलेस्ट ही लगाना है। तो सबसे छोटा नंबर देखिए 200, 200, 499, तो 200 वाले छोटे हैं, ठीक है, हमने पहले ये देख लिया। यहाँ 49, यहाँ है 94, तो आप लेंगे 49 छोटा है ना, 249, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। अब पता चल गया कि हाँ ये हो चुका है, ठीक है। अब इन बचे हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर 294 हो गया। अब इन बचे हुए नंबर्स में से ये है 4, ये 9, ये 9, तो आप लेंगे 492। फिर इन दोनों बचे हुए में से सबसे छोटा नंबर आपको चूज करना है, तो ये 24 है, 22 है, तो 922 और 924, ठीक है। यस, गुड 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 गुड, प्लीज माइक ऑफ कर लो प्लीज, थैंक यू, यू आर सो नाइस एंड सो डिसेंट चिल्ड्रन, सो ओबीडियंट। अब एक चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई होता है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चूज करना होता है सबसे बिगेस्ट नंबर, ठीक है, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला, हाथी वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको चूज करके लिखना है। कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं आपको, इन सब में से चलो एक और ले लेते हैं, ये भी हो गया, ये तो हो ही चुका है। इसमें से ले लेते हैं 648, चलो जी, हाँ जी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा आप चूज कीजिए, देखिए 800, 400, 466, तो सबसे बड़ा 800 वाला नंबर है,
वो एक ही है, तो सबसे बड़ा ना इसको आप लिख दोगे सबसे पहले। अब इन सब में से देखिए, बड़े नंबर ये 600 के हैं दोनों, तो ये इन दोनों में से देखो ये 84 है और ये 48 है, तो बड़ा हो गया आपका 84, 684। अरे ओ गॉड, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आ तो गया बड़ी मुश्किल से। ये हमारा इरेजर लेना था मुझे, पेंसिल 864। यस, इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है तो 684, देन 648, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा रह गया ये देखना आपको, 400 से स्टार्ट हो रही है तो 68 और 86, तो बड़ा कौन सा हो गया 486, नेक्स्ट में 468, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए जी, कल क्लास में भी मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई थी, अगर आपको आ जाए लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9, ठीक है, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट लार्ज माने बड़ा, तो 0 से 9 के बीच में सबसे बड़ा नंबर आपका 9 ही होता है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर ये होते हैं डिजिट, तीन डिजिट का पूछे तो तीन नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब लार्जेस्ट फोर डिजिट का पूछे तो ये हो गया। अब बारी आ गई किसकी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, क्योंकि जीरो लिख देंगे जीरो नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट का नंबर कितना हो जाएगा 10, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का नंबर यानी इसमें डिजिट 3 हूँ, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट, कितने भी डिजिट लिख लो आप, तो ठीक है। आगे चलते हैं, यस, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। अगेन मैं वही बात आपको रिपीट कर रही हूँ, एक मिनट में टाइम देखना चाहूंगी, टाइम क्या हो गया, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, 9 हो गए ना, 9:15 तक की क्लास है तुम्हारी, ठीक है। अब देखिए साहब, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, जब आप लोग ऐसे ऐसे मैं आंसर पूछती हूँ ना तो क्लास ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, और जब मैं समझा रही हूँ और आप जस्ट गेन 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 करते जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, यस, एक्सपेंडेड फॉर्म जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है उसके अंदर। अब बार बार आपको हर टेबल पे आके मैम नहीं बताएंगे बेटे ऐसे करके ऐसे लिख लो, तो जब मैम नहीं बताते तो पेपर क्या हुआ फिर, यही बात है ना। तो आप क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ठीक है। ये नंबर है 294, तो आपको क्या लिखना है, 200 बोला ना आपने तो 200 प्लस 90 बोला ना, 9 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, वंस टेंस और 100, तो ये बहुत सिंपल इसका ये होता है वैसे, तो क्या होता है कि 200 है तो 2 कौन सी प्लेस पे है, एक्सपेंड करेंगे 200 प्लस 90 और प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका ये 4, ठीक है, 4 हमेशा सिंगल रहता है। तो ये जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बोली जाए आपको ये आंसर देना है, इसका बहुत आसान ये है कि 2 है ना तो 2 लिखो, 2 डिजिट है उसके आगे तो 2 जीरो प्लस डालो, नेक्स्ट नंबर लो चाहे वो 0 है चाहे वो कुछ भी है, नेक्स्ट नंबर 9 लिया, 9 के आगे जितनी भी 0 हैं उतनी ही, सॉरी जितने भी डिजिट लिखे उतनी जीरो लगानी है, 1 नंबर लिखे 9 के आगे तो आप 10 लगा दोगे, 4 के आगे कोई नंबर नहीं है, समझ आ गया, 4 एक ही है। अरे बेटा कुछ नए स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चों को नहीं आया है, तुम्हें तो सब आता है मुझे पता है गीतांजलि, जो बच्चे हाँ जो बच्चे रेगुलर रहते हैं ना उनको तो सब आता है, जैसे आपका रूबल है, आदित्य है, क्या नाम से, काफ़ी बच्चे हैं, आदित्य नहीं है क्या, कौन सा धाकड़ है, और राहा, राघव, रौनित, सब जो काम कर रहे थे, देवांगी, जो पहले से अपना काम खुद कर रहे हैं, वैभव, इनको आता है मुझे पता है, सबको आता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं करते थे बीच में, अब उनका क्या करें। अब देखिए जी, 204 अगर ये चीज़ है तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे, 200 प्लस, अब इस जीरो को क्या करोगे, 0 0, ठीक है, और 4 के लिए 4। अब नंबर आ गया आपका 230, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखनी है तो आप लिखेंगे 200 प्लस 30 प्लस 0, क्या होता है गीतांजलि, हमको
हर बच्चे का लेवल देखना होता है। जब एक टीचर होता है ना, तो वो ये देखता है कि बिलो से बिलो लेवल के बच्चे को भी वो समझा दे अपनी बात। मैं सिर्फ यहाँ पे इंटेलिजेंट 3-4 बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हूँ बेटे। मुझे, मेरा दिल करता है कि जो बच्चा सबसे, जिसको नहीं समझ आया उसको भी मैं इतना इजी लैंग्वेज में बताऊँ कि उसको भी समझ में आ जाए। हाँ बेटे, मेरे ये प्रयास रहता है ना। चलिए जी, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसी के जैसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को वही बात आ गई कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना होता है कि शॉर्ट माने छोटा, ठीक है। जैसे कि 300 + 20 + 9 ये लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको 1 × 100 लगाएंगे। अब ये 300 आपका 100 प्लेस पे है, तो 100 पे आप 3 लगाएंगे। 20 आपका 10th प्लेस पे है, तो 2 लिख देंगे। और 9 आपका 1st प्लेस पे है, तो 329 ये बन गया, ठीक है। अगर नंबर लिखा हो 300 + 2 ओनली, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 10th प्लेस पे तो कुछ भी नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, 100 पे 3 है, तो यहाँ पे आप 0 फिल करेंगे और 2 को सिंगल पे ही रखेंगे। ये चीज़ें कई बच्चों को नहीं आती हैं, तो समझ लो, बस यही उपाय है, समझ ही लो इसको, ठीक है। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। एक और ऐसे ना लिख करके, ऐसे लिख देते हैं कई बार, 600 + 3 10 + 1 1, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो 600 बोला है ना, 1 10 और 100 लगाओ, 600 है, 3 10 है ना, तो 10 के नीचे 3 आ जाएगा, और 1 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नंबर क्या बना, 631। इसको थोड़ा देख लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, काउंटिंग इन टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये पेपर में भी आएंगे, इस पैटर्न को आपको समझना है कैसे हम 10 10 प्लस करते हुए चलेंगे। काउंटिंग इन टेंस, ठीक है जी। कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, देखो 2 सेम है, 7 भी सेम है, बीच वाला 1 की जगह पे 2 आ गया, तो आप ये और ये सेम ही रखोगे। बीच वाला नंबर 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ कितना जाएगा 3। और अगर वैसे भी टेंस में आपको करना है, तो वंस और ये है टेंस, वंस और ये है टेंस, वंस और ये है टेंस। टेंस नंबर पे पहले 1 है, उसके बाद एक नंबर आगे बढ़े तो कितना आ गया 2। अगर मान लो यहाँ पे होता आपका 7, ठीक है, तो यहाँ पे होता 8, ठीक है, यहाँ पे होता 9, ठीक है, 297। और यहाँ 9 के बाद, 297 के बाद 10 नंबर और जब हम प्लस करेंगे, तो ये जो 97 के बाद आपको पता है कि भाई 10 अगर उसमें प्लस करेंगे, वैसे आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। तो आप क्या करेंगे, मुझे पता है काफ़ी बच्चों को आती होगी ये चीज़, बट फिर भी 7 तो वंस प्लेस का यही रहेगा। अब आपने इसके अंदर 10 ऐड किया, ठीक है, तो 9 के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, 0, मतलब 10 आता है ना 9 के बाद, 10 आता है, तो आपने 10 की 0 यहाँ लगा दी, कैरी किया 1 2 और 1 कितने हो गए 3। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करोगे, 297 लिखो, उसमें 10 प्लस कर दो, 7 और 0 होते हैं 7, ठीक है। सेवन एंड जीरो सेवन नाइन एंड वन टेन की जीरो कैरी गया वन टू और वन थ्री 307, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 534 और 544, ठीक है। तो बीच वाला नंबर चेंज हो रहा है, कई बार ऊपर लिखा ही नहीं होता कि भाई काउंटिंग इन टेंस, आपको खुद पहचानना रहता है कि किस में मुझे, मतलब कौन सा नंबर चेंज हो रहा है। तो ये और वंस और वंस और हंड्रेड वाला सेम चल रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, ओनली ये वाला है, 3 के बाद क्या आ गया 4, तो अब आप यहाँ पे 4 के बाद क्या लिख दोगे 5, और आजू बाजू के नंबर सेम रख देना,
वंस और हंड्रेड प्लेस के नंबर सेम रहेंगे, फाइव फोर फाइव फोर, यहाँ भी पहले फाइव लास्ट में फोर ही रहेगा और फाइव के बाद क्या जाएगा सिक्स। फिर वहीं चलते हैं बात, सपोज यहाँ पे आ गया आपका 594 और इसके आगे एक फिलअप खाली है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, फोर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसमें टेन प्लस करने, नाइन और मतलब नाइन में जब आप वन प्लस करोगे, नाइन और वन टेन की ज़ीरो, कैरी गया वन, फाइव और वन सिक्स, 604। यहाँ मेन समझने की बात ये थी, और क्या थी, और इधर थी एक ये काउंटिंग इन फाइव्स, यानी आपको प्लस फाइव करते हुए आगे चलना है, ठीक है। 352 सॉरी आगे चल रहे हैं, थ्री फिफ्टी टू और 357, ठीक है जी, चलिए ऐसा ये भी आएंगे पेपर में, ज़रूर आएंगे। आपको पांचवा नंबर पता लगाना है इसके आगे, 57 के आगे, ठीक है, 57 के आगे पांच उंगली खड़ी कर लो, पांचवे पे जो आएगा वो लिखना है। 57 हो चुका है इसलिए आप इसको काउंट नहीं करेंगे, 57 के बाद क्या आया, 58, 59, 60, 61, 62, तो आप लिख देंगे 362, ठीक है। 62 के बाद पांच आगे गिनने हैं, 62 के बाद 63, 64, 65, 66, 67, 67, 367। अब 67 के बाद वापस से पांच नंबर और अगर ऐड करने हो, 67 के बाद पांच फिंगर खड़ी करो, 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है, तो 372। अब आ जाए आपका काउंटिंग इन टूज, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें करते हैं बच्चे मिस्टेक, 297 है, तीन फिलअप आपको फिल करने हैं और काउंटिंग इन टूज है, तो यानी कि दो उंगली खड़ी कर लो, ठीक है, 257, इसके आगे आपको टू नंबर आगे काउंट करना है, ठीक है, 57 के बाद सॉरी 97 के बाद क्या आता है, 98, 99, ठीक है, तो 299 को आपने लिख दिया, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, दो प्लस करके भी लिख सकते हो, 99 के बाद दो आगे चलना है आपको, 99 के बाद क्या आया आपका, एक तो आया 300, ठीक है, और 301, लिखते कैसे हैं 301 ऐसे, ठीक है। तो ये थी आपकी रिवीजन क्लास, बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई होप आप इससे बहुत बेनिफिशियल रही होगी क्लास आपके लिए, ठीक है, बाय बाय।